हेलो एवरीवन, मैं बबीता अपनी यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। और तो फ्रेंड्स, आज है दसवीं, मतलब दशहरा है, हमारे यहाँ पे दसवीं कहते हैं। तो आप लोगों को दसवीं की लेट से ही लेकिन ढेरों शुभकामनाएं। ये अब तो दसवीं भी चला गया और ये वीडियो मेरा लेट से जा रहा है, मतलब एडिटिंग नहीं हो सका था इस वजह से। तो हम लोग जा रहे हैं पूजा करने, मतलब यहाँ पर ना माता रानी को अंतिम विदाई भी, मतलब विदाई देते हैं, जैसे सिंदूर दे के उनका मुँह मीठा किया जाता है, जैसे लड़की की विदाई होती है वैसे भी हम लोग भी माता का भी विदाई करते हैं, उनका मुँह मीठा करके सिंदूर उंदूर लगा के। तो घर का सारा पूजा वूजा करके काम ख़त्म करके हम लोग चले हैं मंदिर की तरफ, जहाँ पूजा हुआ था वहीं पे। तो जो पास में मंदिर रहता है जहाँ पूजा, तो वहीं हम लोग चले जाते हैं। तो उसकी बड़ी मम्मी और मैं आई हैं यहाँ पे पूजा करने, सारे औरतें आते हैं, मोहल्ले के सारे औरतें आते हैं यहाँ पर पूजा करने। और दुर्गा जी को नीचे उतार दिया गया है, लेकिन दुर्गा जी का मूर्ति बहुत ऊँचा है और इतनी भीड़ लगी है, क्योंकि 2 बजे तक ही टाइम था, उसके बाद फिर ना 12 बजे तक ही टाइम था, फिर उसके बाद ना मूर्ति को ना गाड़ी में चढ़ा उठा देते हैं लोग। इससे हम लोग फिर जल्दी जल्दी काम खत्म करके यहाँ पे आए हैं पूजा करने। और सभी औरतें पूजा कर रहे हैं भगवान जी को, जैसे मुंह मीठा कराते हैं मिठाई से, फिर पानी पिलाते हैं, टीका लगाते हैं, फिर पान देते हैं, पान में सुपारी रख के इसके पापा ने बना दिया है। और ये जो फूल है ना यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ का रिचुअल है ये असम का। तब हम लोग भी मानने लग गए हैं, माना कि मैं बिहारी हैं फिर भी। तो यहाँ पे सब कोई करते, इसकी दादी करती आई है तो इसकी बड़ी मम्मी भी करती आई है, तो फिर मैंने भी मंगा लिया है। मैंने चलो सब कोई अगर करते हैं तो मैं भी कर लूँ। तो यहाँ पे सब भगवान के हम लोग मुँह मीठा कर रहे हैं, फिर उनको तिलक लगा रहे हैं, पान खिला रहे हैं, सबको विदाई कर रहे हैं। और थोड़ा मन ना अजीब अजीब सा हो जाता है, क्योंकि कुछ भी हो ना पूजा का एक धूम लगा रहता है 8-9 दिन तक, घर में इतना अच्छा स्वस्थ सुस्त वातावरण हुआ रहता है, और आज के दिन अजीब सा लगता है, एकदम सन्नाटा सन्नाटा सा। और जो घर में नवरात्र करते हैं उन लोगों को तो और अजीब सा लगता है। तो फिर देखिए दुर्गा जी का मूर्ति उतना ऊपर चढ़ा रखा, उतना ऊपर है, ऐसा कोई चेयर में खड़े होकर पूजा कर रहे हैं। तो हम लोग की बारी आ ही नहीं रही थी, तो इसकी बड़ी मम्मी बोली चलो तब तो हम लोग नीचे ही कर लेते हैं पूजा। और ये यहाँ का बेंगोली रिचुअल है, वो लोग पान के पत्ते से ऐसे भगवान जी को ना मतलब गाल में ऐसे मतलब सेक लगाते हैं, जैसे हम लोग शादी में सेक लगाते हैं दूल्हा को, हमारे में होता है। तो इन लोग ऐसे ही करे, तो हमने चलो थोड़ा सा ये भी क्लिप शूट कर ले, आप लोग भी देख लो यहाँ का जो रिवाज है। तो ये बंगाली औरती लोग हैं सब कोई, तो इन लोग ऐसे लगा रहे हैं मतलब गाल में। और हम लोग तो छोटा छोटा पान का खील बना के लाए थे, तो भगवान जी के हाथ में रख दिए हैं। तो मैं भी, अब हमारी बाड़ी आ गई है तो उसकी बड़ी मम्मी कर रही है पूजा और मैं भी कर रही हूँ चेयर में खड़े होके, बहुत डर लग रहा था ऊपर खड़ा होने में। तो उसके बाद भगवान जी को मीठा खिलाया, फिर उसके बाद फूल चढ़ाया, टीका लगाया और पान दिए, भगवान जी से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि भगवान अगले साल फिर आना और सबके लिए खुशियाँ लाना और सबको बनाए रखना। बस और क्या कामना है हम लोग का, बस यही है। भले ही इंसान का ना पैसा कम हो जाए साल भर में, लेकिन इंसान कम ना हो सबके जैसे, इस साल हम लोग जैसे सबको मिल के हैं, नेक्स्ट ईयर जो आने वाला साल सबको हम लोग फिर से वैसे ही मिल के रहें। मन में ना एकदम अजीब सा डर लगता है ना कभी कभी, कोई पूजा में अगर जाओ तो कि हम लोग आज है फिर कल कभी ना रहें। जैसे मेरे बड़े पापा इस बार नहीं है तो मन में थोड़ा दुख तो लगता ही है, और उतर रही हूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन फाइनली हम लोग उतर गए पूजा वूजा करके। और उसके बाद फिर यहाँ पे सबको सिंदूर लगाते हैं, तो ये तो सब ये आम सा रिवाज ही हो गया है, सारे पूजा पाठ में ये सुहागन लोग करती ही हैं। तो सबको हम लोग यहाँ पे सिंदूर उंदूर लगा रहे हैं और सबको ये बातें कर रहे हैं कि मतलब जैसे भी चला गया ये पूजा, पूजा करते करते पूजा भी चला गया, बस सबको बनाए रखे भगवान, सबका सुहाग, सबका बच्चा, सबको आपस में मिल मिल के रहे हम लोग, और क्या चाहिए भगवान जी से, बस यही है। और इस साल हमारी सासू माँ भी हमारे साथ नहीं है, तो थोड़ा मन में वो भी दुख है, मतलब इंसान कम होते जा रहे हैं। उसके बाद पूजा वूजा करके अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। सो लाल साड़ी और लाल हो गए हैं हम लोग पूरे के पूरे लाल, और हम लोग बातचीत करते जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, तो आप लोग को फिर से दशहरे की ढेरों शुभकामनाएँ। और आ गए हैं घर दोनों जन और जा रहे हैं करने ब्रेकफास्ट, भिंडी की भुजिया और रोटी। और टाइम हो गया 12:15, क्योंकि बहुत टाइम लग गया वहाँ पे, इतनी भीड़ थी इस वजह से। तो जा रही हूँ मैं खाने, और इन लोग तो सुबह ही ब्रेकफास्ट किए हैं, फिर बनाऊँगी खाना इन लोग के लिए। तो चलो आप लोग से थोड़ा सा बात कर ले, और देखो क्या हाल हुआ है, लाल लाल हो गए हैं पूरा, लाल साड़ी भी पहनी हूँ, लाल लाल भी हो गई हूँ। तो करती हूँ मैं ब्रेकफास्ट और बनाती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ आप लोग से।
सो फ्रेंड्स, नाश्ता वास्ता करके मैं यहाँ लगी हूँ खाने की तैयारी करने। तो भिंडी की भाजी जो होता है मैं सुबह ही बना चुकी हूँ, और यहाँ पे मैं दाल चावल धो रही हूँ और आलू की भाजी बनाऊंगी और थोड़ा सा चटनी पीसूंगी, क्योंकि सिंपल सा ही खाना बनाएंगे रात को। फिर हमारे यहाँ पे ना दाल पूरी और खीर बनती है इस वजह से, और फिर जलेली करके हम लोग को पोजिशन देखने भी जाना है, मतलब यहाँ पे जो दुर्गा मैया को जो गाड़ी में उठा देते हैं ना, तो फिर जब रास्ते से लेके जाते हैं तो सब गाते बजाते लेके जाते हैं, तो फिर हम लोग वो भी देखने जाते हैं। और फिर जिनका मन हो वो नदी किनारे भी जाते हैं, पर हम लोग नहीं जाएंगे, पहले मैं एक बार गई हूँ, इसलिए हम लोग जलेली से बना रहे हैं खाना। और फिर फटाफट खाना बना के तो कोई खिला पिला के, इन लोग तो आ गए थे मुझे छोड़ के, तो उसकी बड़ी मम्मी आ गई थी, फिर दोबारा से वो गई है, तो मैं भी बर्तन वर्तन साफ करके यहाँ पे आ गए थे पोजीशन देखने। और ओरिजिनल म्यूजिक भी कुछ कुछ डाल दिया है, कुछ ऐसे कर दिया है, देखते हैं आके क्या होता है। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही लेके जाते हैं सब, नाचते गाते बजाते, आप लोग भी देख लीजिए हमारा यहाँ का। फ्रेंड्स, अभी है शाम का समय और मैं बना रही हूँ खीर, क्योंकि हमारे यहाँ पे आज के दिन दशहरे वाले दिन खीर और पूरी बनती है, दाल पूरी। और लाइट अभी जाके आया है, तो मुझे दाल पीसना है दाल पूरी के लिए। दाल को मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया था, लेकिन लाइट नहीं था ना, तो मैंने छोड़ दिया, मैं चली गई थी वहाँ पे। और जब अब जाके लाइट आई है, 2 बजे से गएगा, 6 बजे आई है लाइट। अब मैं बना रही हूँ खीर, गुड्डू घूम रहा है और उसके पापा और नीतम गए हैं घाट पे। अगर वहाँ से भी कोई क्लिप लेके आए तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ऐसे तो नीतम को बोली हूँ कि लेके आना वगैरह, देखता हूँ। तो फिर आके कपड़े वपड़े उठाया, फिर पूजा वूजा किया, फिर जाके बना रहे रात का खाना। और अगर लेके आए उन लोग तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि यहाँ पे कैसे भसान होता है, विसर्जन मतलब भसान बोल रही हूँ। पहले तो मतलब बोट में रख के पूरा घुमाते थे, फिर जाके भसान होता था, लेकिन अभी शायद सरकार की तरफ से अलाउ नहीं है, डायरेक्ट गाड़ी से ही विसर्जन होता है। तो जैसा होगा मैंने कहा है उन लोगों को क्लिप करके लाने के लिए, तो देखती हूँ आगे क्या होता है। और शाम का समय है, बहुत बोर लग रहा है, मतलब एक होता है ना पूजा का इतना दिन से ना बाबू हल्ला चिल्ला ना, और इन लोग का तो ज़्यादा मस्ती था। उसके पापा और नीतम का तो 3 दिन 4 दिन घूमना हुआ, मेरा गुड़ का सिर्फ 1 दिन, मैं नहीं गई तो ये भी नहीं गया घूमने, क्योंकि मेरा तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। एक दिन ही घूम के इतना चलना पड़ा कि मैं कल नहीं गई थी घूमने, इसलिए आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर नहीं किया। मैं सोची कि दूर दूर का वीडियो उस दिन करूँगी, और यहाँ पे जो पास का है फिर मैं करूँगी, लेकिन मैं गई नहीं घूमने। और नीतम तो लेके आए गए नहीं, उसके पापा और नीतम, भाई आपका ब्लॉग है आप जाकर शूट करो इस वजह से। तो कल हम और गुड्डू दोनों के घर पे ही थे, वो और उसके पापा घूमने गए थे, नीतम और उसके पापा, उसकी बड़ी मम्मी, उसके बड़े पापा, सब कोई घूमने गए, बस सिर्फ हम और गुड्डू नहीं गए, क्योंकि मेरी तबीयत हुई थी ख़राब थोड़ी सी। और वहाँ पोजीशन देखने के बाद फिर मैं थोड़ा सा डॉक्टर के पास भी गई थी प्रेशर चेक करवाने, मुझे ना इतना पसीना आ रहा था, मुझे लग रहा कि मेरा हाई प्रेशर हुआ है, लेकिन ठाक कि प्रेशर बीपी हाई नहीं है, नॉर्मली है, बस ऐसा कमज़ोर हो गया है शायद गर्मी की वजह से ना क्या, इस वजह से। और मैं बना रही हूँ खाना और हम लोग हो रहे हैं बोर।
क्योंकि थोड़ा सा ना जिस दिन विसर्जन होता है ना उस दिन थोड़ा मन अजीब अजीब सा हो जाता है। तो चलो देखती हूँ आगे आपके हाथ कोई शेयर करोगे ना, कर सकती हो कि ना कर सकती हूँ, क्योंकि नीतम तो गया है, बोलती हूँ लाओ लाओ लाओ, देखो लाता है कि नहीं लाता है। बड़ा रोहिता देवी से गए हैं, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो चलो मैं बनाती हूँ खीर, लगा लेती हूँ आटा, फिर दाली पीसना है मुझे, फिर मिलती। तो फ्रेंड्स इन लोग गए थे भसा वहाँ पे विसर्जन में, तो वहाँ से लेकर आए हैं जलेबी और मिठाई, और यही है हमारे वहाँ यहाँ का भसान। बहुत सारे क्लिप लेके आए थे, लेकिन मैं आपको दिखा दिया, छोटा सा क्लिप शेयर कर रही हूँ। तो पहले जैसे नदी में ना नाव में और लाइटी वाइटी लगा के घुमा घुमा के विसर्जन होता था, लेकिन अभी डायरेक्टली सीधे से ही हो जाता है। तो आप लोग भी देख लीजिए हमारा यहाँ का विसर्जन, और आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में।